Hey guys, I hope you're doing fine and great and welcome back to my channel. So today I'm going to share with you my favorite video guys and finally मैंने अपने लिए एक वैनिटी परचेस कर ली या फिर मैंने कस्टमाइज करके बनवाई है. सो उसी के लिए मैंने काफी सारी चीजें अमेजोन से मंगवाई है जो ऑर्गेनाइज करने के लिए जो होती है छोटी छोटी चीजें. सो वैसी वाली कुछ चीजें मैंने अमेजोन से मंगवाई है एंड काफी टाइम पहले अमेजोन पे काफी अच्छी सेल आने वाली थी तभी सेल में सारी चीजें बाई की. बट मुझे वीडियो बनाते बनाते काफी टाइम हो गया क्योंकि काफी सारी चीजें आ गई क्योंकि दिवाली आने वाली थी तो मैं उसी में बिजी हो गई थी. और उसी के साथ मैंने कुछ स्किन केयर एंड मेकअप से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें मंगवाई है. सो ये वीडियो टू पार्ट में शूट होने वाला है क्योंकि बहुत सारी आइटम है मेरे पास काफी सारी चीजें. सो एक साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे और बोलोगे कितनी बड़बड़ करती है ये इसलिए. एंड अब चैनल पर फर्स्ट टाइम आया गाइस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ क्योंकि काफी सारी आइटम्स हैं. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मिनी ड्रॉवर्स है. सो फर्स्ट परचेस किया था ये मिनी ड्रॉवर. ये ट्रांसपेरेंट ड्रॉवर है इसमें छोटी छोटी चीजें रख सकते हो. मुझे काफी क्यूट लगा. इसका सेम मैंने एक और देखा था बट प्राइस में काफी डिफरेंस था. आई थिंक ये मिनीशो वाला है तो बहुत सस्ता मुझे मिला है काफी ज्यादा चीप प्राइस में मुझे मिला है. आई थिंक 280 में मैंने इसको परचेस किया. एक बार तो ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया था बट दो दिन के बाद ये वापस आ गया तो मैं तुरंत पिक किया कि भाई ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए. सो इसको मैं अपनी वैनिटी पे ऐसे रख सकती हूँ एंड इसमें छोटी मोटी चीजें भी रख सकती हूँ तो वही पर्पज से मैंने इसको लिया है. एंड काफी क्यूट है गाइस मुझे काफी अच्छा लगा. आई थिंक इसमें मैं अपनी वॉच एंड जो डेलिकेट वाली जो ज्वेलरी आती है ना वो भी रख सकती हूँ तो वही पर्पज से मैंने इसको मंगवाया. एंड सेकेंड चीज इसकी क्वालिटी की बात करूँ सुपर क्वालिटी है मुझे ये काफी अच्छा लगा. एंड मैं सोच रही हूँ मैं एक और पीस मंगवा सकती हूँ इसमें क्योंकि इसके ऊपर रखूंगी तो आई थिंक 4 ड्रॉवर हो जाएंगे. सो काफी अच्छा स्पेस मिलेगा मुझे. सो आई लाइक देम गाइस एंड मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ. ऐसे आई थिंक मैंने देखे थे 2 डिफरेंट प्राइस में बट मैं बोलूंगी जो मिनी शो वाला है ना उससे बाय करना तो आपको काफी अच्छी चीप प्राइस में मिल जाएगा एंड ये मुझे बहुत सही लगा. तो नेक्स्ट मैंने पिक की एक ग्लास की ट्रे गाइस. एक कुछ इस टाइप की ट्रे है काफी मिनी छोटी सी मिनी ट्रे बोल सकते हो आप इसको. सो इसके अंदर मैं आई थिंक अपने परफ्यूम रख सकती हूँ या फिर अपनी स्किन केयर इसके अंदर रख सकती हूँ तो वही पर्पज से मैंने इसको मंगवाया. आई थिंक ये मुझे 300 में पड़ी है कुछ. सो कुछ ऐसी छोटी सी ट्रे है बट मुझे काफी क्यूट लगी और मैं एक और लेना चाहती थी बट अभी मुझे लग रहा है कि ऊपर टॉप पे ना स्पेस नहीं बचा के मैं इतनी सारी चीजें रख सकती हूँ तो ये इनफ है मेरे लिए. काफी क्यूट सी छोटी सी ट्रे है. आप मेकअप के लिए नहीं या फिर कोई और पर्पज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो मुझे क्यूट लगा. और एक और चीज गाइस ये है ना इनके जो ये कोने है ना काफी शार्प है. सो बी केयरफुल क्या कटवट ना जाओ क्योंकि जिस दिन आई थी मैं कट गई थी इसलिए मैं बोल रही हूँ बट ये मुझे अच्छी लगी. और ये पूरा ग्लास का बना हुआ है सो नाइस मतलब ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगा. 300 में इज गुड ना. सो नेक्स्ट मैंने पिक किया बहुत ही क्यूट सा एक ब्रश होल्डर गाइस. ये कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास का है एंड आई लव दैम मुझे बहुत सही लगी ये चीज. एंड आई थिंक जो मैंने प्लेट मंगवाई है उसके साथ ये बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को लिया जाए. एंड आई थिंक इसका मैंने पे किया था 450. यस 450 में मैंने इसको लिया है बट मुझे बहुत सही लगा. आई थिंक इसमें 3 कंपार्टमेंट दे रखे 1, 2, 3 तो इसमें आप ब्रश रख सकते हो या फिर कुछ और चीजें हो वो भी रख सकते हो या फिर स्किन केयर भी रख सकते हो तो काफी अच्छा लगा मुझे ये. एंड ये भी मैंने अपनी वैनिटी के लिए लिया कि मैं वैनिटी पर रख सकती हूँ लुक इज नाइस. सो वही पर्पज से मैंने इसको लिया एंड पैसा वसूल यार मुझे बहुत सही लगी ये चीज. सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पिक किया था ये मेकअप क्लीनिंग पैड गाइस. ये कुछ ऐसी पैकेजिंग के साथ मिलता है एंड इसके अंदर आपको 2 पैड मिल जाएंगे. ये कमाल की चीज है यार मुझे बहुत सही लगी. मतलब मैंने इसमें से एक तो यूज करना भी स्टार्ट कर लिया सुपर. मतलब एक बारी में पूरा आपका मेकअप हट जाता है तो और क्या चाहिए हमें. और ये चीज बड़ी कमाल की कि आप इसको रीयूज कर सकते हो बार बार. सो ये मुझे कमाल की लगी. एंड इसका जो पैड की बात करूं तो पैड काफी स्मूथ है. इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है मतलब बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है जब आप इसको लगाते हो तो. सो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी. एंड गाइस सी मैं ऑलरेडी इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले मैं कॉटन पैड यूज करती थी या फिर कुछ और चीजें यूज करती थी बट काफी ज्यादा वेस्ट होती थी वो चीजें. सो ये चीज मैं रीयूज कर सकती हूँ तो वही पर्पज से मैंने इसको लिया एंड मुझे तो कमाल की लगी गाइस. आप भी ट्राई करना चाहते हो तो गो फॉर इट. एंड जो रेगुलर मेकअप करता है उनके लिए बहुत ही सही चीज है या फिर जो नहीं करता उनके लिए भी ज्यादा बेटर है.
इजीली आप इसको कैरी भी कर सकते हो कहीं पे जाना हो, तो ये मुझे ज्यादा बेटर लगा, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। सो नेक्स्ट मैंने पिक किया है मेकअप ब्रश किट गाइस, एंड मैं काफी टाइम से लेना चाहती थी एक अच्छे वाले ब्रश, एंड सस्ते टिकाऊ वाले ब्रश चाहिए थे मुझे। सो फाइनली मुझे अमेजोन पे मिल गए, तो मैंने तुरंत पिक कर लिया, एंड इसकी कुछ ऐसी टाइप की पैकेजिंग है, एंड जब आया था तब मैंने देख के वापस वैसे ही रख दिया था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था इसलिए। सो इसमें कुछ इतनी चीजें मिल रही है गाइस। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको एक क्यूट सा ब्यूटी ब्लेंडर मिल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये ब्रश क्लीन करने का एक टूल मिल रहा है, एंड यहाँ पे काफी सारे ब्रश है गाइस, बहुत सारे ब्रश दे रखे हैं, आई थिंक टोटल 10 ब्रश है। यस, तो ये कुछ ऐसे ब्रश हैं, कुछ तो गिर भी गए फिर। सो आई थिंक 1, 2, 3, 4 and 5 आई थिंक टोटल 5 ब्रश आपको आइस के मिल जाएंगे, एंड बाकी जो 5 है वो स्किन से रिलेटिव मिल जाएंगे। तो ये मुझे काफी अच्छा कॉम्बो लगा, मतलब सस्ता टिका हुआ हमें वही चाहिए था। सो मैं एक खोल के दिखा देती हूँ, ये कुछ इस टाइप का ब्रश है, एंड इसमें काफी सारे कलर्स थे बट मुझे ब्लैक ही समझ में आता है, मुझे बाकी कलर समझ में नहीं आते इसलिए मैंने ब्लैक पिक किया। क्वालिटी काफी अच्छी है, एंड मैं इसको थोड़ा खींच के दिखा देती हूँ कि निकल रहा है कि नहीं, बट नहीं। एंड इसकी जो फेदर की क्वालिटी है ना, मुझे काफी स्मूथ लग रही है, लगाने में बहुत ही इजी रहेगा। सो आई लाइक देम गाइस, मुझे काफी अच्छा लगा ये ब्रश, एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट मेकअप वीडियो में मैं इसी को यूज करूंगी, मैंने अभी से सोच लिया है। नेक्स्ट मैंने कुछ स्किन केयर मंगवाया था मेरे लिए, सो ये फर्स्ट है सेटअप फिल गाइस, एंड ये नॉर्मल टू ऑयल स्किन वाले यूज कर सकते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज करूँ, ये वाला क्लींजर मैंने कभी यूज किया है नहीं किया, मुझे नहीं पता, बट मुझे इसको यूज करना था इसलिए, एंड मैंने कल रात को यूज करके देखा कैसा है, बट नाइस। अभी एक ही बार यूज किया तो मुझे इतना समझ में नहीं आया, बट एक दो बार और यूज करूंगी तो ऑब्वियसली मुझे स्किन में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। एंड क्लींजर को आप 2-in-1 तरीके से यूज कर सकते हो, फर्स्ट आप क्लींजर तो करते ही हो, सेकंड आप इसको मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हो, तो कमाल की चीज है, मुझे बहुत सही लगी है। सेकंड चीज, इसमें आपको विटामिन B3 एंड विटामिन C5 मिल जाता है, तो काफी अच्छा रहता है स्किन के लिए, एंड जब भी आप क्लींजर करते हो तो तुरंत आप फेस वॉश नहीं करना है, फर्स्ट आपको क्लींजिंग हो जाता है, तो टिश्यू से हेल्प से पूरा क्लींजर को आपको वाइप करना है, आपको देखना है कि आपकी स्किन में कितनी डस्ट है या फिर कितनी गंदगी, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सो आप वैसे ट्राई कर सकते हो, एंड मुझे ये चीज थोड़ी अच्छी लगी, अभी एक दो बार यूज करूंगी तो ऑब्वियसली मुझे पता चल जाएगा, बट नाइस। तो नेक्स्ट मैंने पिक किया है ये डर्मा का फेस वॉश, ये जेल फोम में आता है ये वाला फेस वॉश, एंड ये इसको मैं काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी, एंड फाइनली क्योंकि अभी विंटर आ गए तो मुझे विंटर में कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि मेरी स्किन को अच्छे से सूट करे, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैं कुछ भी नहीं लगा सकती स्किन पे, बट ये वाली चीज मुझे मेरी अपनी फ्रेंड ने सजेस्ट की कि प्रियंका तू ये ट्राई करके देख ली, काफी अच्छी चीज है। सो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया, बट अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया तो मैं बोल नहीं सकती कि कैसा है, बट मैं बहुत जल्द इसको यूज करूंगी, आज वीडियो बन के मतलब आज ही मैं इसको यूज कर लूंगी। सो ऐसी कुछ ऐसी पैकेजिंग के साथ आता है, एंड अब सोच रही हूँ कि इतना छोटू सा क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी स्किन को सूट नहीं किया तो मैं बड़ी वाली क्यों मंगवाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं एक छोटा सा टेस्टर मंगवा लूँ, उसको यूज कर लूँ, मेरी स्किन को सूट हुआ तो मैं बड़ा वाला बाय कर सकती हूँ, तो वही पर्पज से मैंने इसको लिया है। एंड जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, गो फॉर इट गाइस, काफी अच्छा है उनके लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड की स्किन की काफी ज्यादा सेंसिटिव है, एंड उसकी स्किन कुछ तो ना पपीनेस आ जाती है स्किन में, तो उसके लिए भी ज्यादा बेटर है, तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और एक और चीज, ये जो फेस वॉश है ना वो फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें आपको कोई फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी, एंड इसके अंदर जो फॉर्म है ना काफी लाइट वेट है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप जब इसके अंदर अपना प्रोडक्ट लेके थोड़ा सा पानी डालोगे तो इतना अच्छा फॉर्म नहीं आता है, बहुत ज्यादा लाइट फॉर्म है, सो उस वजह से मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेट्स सी एंड फिंगर क्रॉस की मेरी स्किन के लिए बेटर हो। तो लास्ट मैंने एक फेस सीरम मंगवाया था गाइस, और ये है डर्मा का फेस सीरम, अगेन डर्मा, और ये है फॉर एक्ने और मार्क के लिए, एंड आप इसको डे टाइम में एंड नाइट टाइम में इसको यूज कर सकते हो, और ये फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी,
और आप सोच रहे होंगे आपको एक्ने नहीं है, कोई मार्क नहीं है, तो क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि पहले मेरी स्किन है ना थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी एंड अभी भी थोड़ी अजीब सी लग रही है. आई डोंट नो व्हाई, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट मेरी स्किन थोड़ी ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है अभी, तो वही पर्पज से मैंने इसको मंगवाया है. लेट्स सी ये मेरी स्किन पे अच्छे से वर्क करे. एंड इसके अंदर एक छोटी सी बॉटल मिल जाएगी और उसी के साथ आपको इसका एप्लीकेटर मिल जाएगा. सी सो ये है ये इसकी बॉटल और उसी के साथ आपको ये एप्लीकेटर मिल जाएगा. तो ये दोनों चीजें साथ में आती है सेम. सो ये मुझे काफी अच्छा लगा ये एंड मैं बहुत जल्दी इसको यूज करने वाली हूँ, मतलब आज ही. गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ये वीडियो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हो. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो. आई लव यू.